Hello children, welcome to my class. So today we are going to start poem that is Chandni Raat. ये हिंदी का फर्स्ट पोएम है, नाइन्थ स्टैंडर्ड का. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट को. पहली इकाई से हम पहला पोएम आज कंटिन्यू करेंगे. मैथिली शरण गुप्त इन्होंने ये लिखा हुआ है. तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है. तो हम देखेंगे आज किस तरह से यहाँ पर चांदनी रात के बारे में वर्णन किया हुआ है. चांदनी रात मतलब क्या होता है? जब आकाश में आकाश मतलब स्काई में, स्काई में जब हम चांद देखते हैं और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही एक अलग तरह का एक उजाला रहता है, एक लाइट रहती है और वो बहुत ही सुंदर लगती है हमें. ठीक है, तो हम यहाँ पर आज इसका वर्णन देखेंगे. बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है. तो पहले हम देखते हैं परिचय. तो परिचय में क्या दिया हुआ है? जन्म. तो ये किनके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है? जो हमारे कवि जो है, जिन्होंने कविता लिखी है, तो उनका हमें यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन दिया जाता है, परिचय दिया जाता है. तो हम उसके बारे में देखेंगे. जन्म 3 अगस्त 1886 झांसी उत्तर प्रदेश. उप्र मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश. मृत्यु 12 दिसंबर 1964. तो 1964 में उनकी डेथ हो गई है. परिचय क्या दिया है उनका? अभी यहाँ पर तो उनका डेथ और उनका जन्म जो था, बर्थ और डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया. कहाँ पर उनका जन्म हुआ था वो दिया गया है. अभी परिचय. मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं. आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत होते ओतप्रोत है. मतलब नारी के सम्मान के बारे में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई है. उनकी जो रचनाएं हैं वो नारी के बारे में, मतलब स्त्रियों के सम्मान के बारे में ज़्यादातर दिया गया है. प्रमुख कृतियाँ साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ व जयद्रथ. ये जो एक महाभारत के टाइम पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम जयद्रथ है, उसका वध के बारे में उन्होंने कथा लिखी हुई है. पंचवटी, भारत भारती, खंड काव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा नाटक. ये क्या है? उनके नाटक है. ठीक है, तो देखो उन्होंने बहुत सारी ऐसी अलग अलग टाइप की उनकी राइटिंग, एक ही इससे सीमित नहीं है. मतलब एक ही टाइप का उन्होंने राइटिंग वर्क नहीं किया है, तो उन्होंने बहुत अलग अलग टाइप की राइटिंग की है. और मैं तो कहूँगी एट दिस स्टेज आप नाइन्थ में हो तो अपने आप को आप लोग भी ग्रो करो थोड़ा, और आप भी कुछ ना कुछ अगर लिखना चाहते हो तो दिस इज़ अ टाइम यू कैन स्टार्ट. आप लोग थोड़े थोड़े लिखो, रचनाएँ लिखो, काव्य लिखना है काव्य लिखो, मतलब पोएम्स है इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, कोई भी लैंग्वेज जो आपको कंफर्टेबल लगती है यू कैन राइट इन दैट. और अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को उसे रीड करने के लिए दो, तो वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से और चीजें लाने हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी दिया है पद्य संबंधी. अब ये जो पद्य, पद्य मतलब जो कविता रहती है उसको पद्य भाग कहा जाता है, और जो लेसन होते हैं उसे हम गद्य कहते हैं. ठीक है, तो पद्य संबंधी क्या दिया है? खंड काव्य. ये क्या है? एक खंड काव्य है. इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है. प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता. प्रासंगिक मतलब क्या है? जो दिखता है ऐसे प्रसंगों के ऊपर आधारित, वो सब यहाँ पर नहीं होता है. प्रस्तुत अंश पंचवटी, तो इसमें पंचवटी नाम दिया था ना, तो पंचवटी काव्य खंड काव्य से लिया गया है. प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभी व्यंजित हुआ है. तो यहाँ पर उन्होंने जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसका एक सुंदर रूप, उसको उसका एक सुंदर रूप के बारे में उन्होंने यहाँ पर बहुत ही मधुर था, मतलब बहुत ही मीठे शब्दों में हमें वर्णन करके बताया है. चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है. तो चांदनी रात का उन्होंने यहाँ पर मनोहारी मतलब एकदम हमारे मन को पूरी तरह से उसके ऊपर वो सुनने के बाद जैसे हमारा मन पूरी तरह से वाह कितना सुंदर है, कितना अच्छा दिखा गया है, ऐसे हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकलेंगे. उसे कहते हैं मनोहारी वर्णन, जो हमेशा तारीफ करने के लिए ही निकलेंगे. तो ऐसे उन्होंने यहाँ पर वर्णन दिया गया है. तो अभी हम शुरुआत करते हैं. फर्स्ट जो पद्य पंक्तियाँ है
हाँ उसे हम देखेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसके जो वर्ड्स है उसके मीनिंग देखेंगे। तो चारू, चारू मतलब क्या है? सुंदर। क्या लिखेंगे हम? चारू मतलब सुंदर। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे वर्ड्स की मीनिंग नहीं लिखती हूँ, मैं आप लोगों को वर्ड्स के मीनिंग दिखा दूंगी, तो आप लोग उसे नोट करके या स्क्रीनशॉट लिखकर रख सकते हो। फिर उसके बाद थल, थल मतलब क्या होता है? भूमि, जमीन, जो हमारा लैंड है, धरती है, उसे हम कहते हैं थल। और जल मतलब तो पानी है, आपको पता होगा, हमने पहले से ही जल ये वर्ड बहुत बार यूज किया हुआ है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, तो यहाँ पर चांदनी मतलब स्वच्छ मतलब क्या है? एकदम क्लीन, जैसे हम उसे क्लीन कहते हैं। देन चांदनी बिछी हुई, अवनी, अवनी मतलब क्या होता है? फिर से पृथ्वी। तल मतलब भी जमीन होती है, पृथ्वी का ही भाग होता है। और अंबर मतलब क्या है? आकाश। ठीक है, जो हमारा अंबर है उसे हम आकाश कहते हैं, गगन कहते हैं। उसके बाद पुलक प्रकट, प्रकट करती है धरती। अभी पुलक मतलब क्या होता है? तो पुलक का मतलब है रोमांच, एकदम खुश करने वाली ऐसी धरती। हरित तृणों की नोकों से, हरित मतलब क्या है? हरा कलर, जो हरित, तृण मतलब क्या होता है? जो हमने ग्रास देखा हुआ है, आपने घास जो उगता है, घास ऐसे, तो वो कैसे कलर का है? वो हरा कलर है, हरा रंग है उसका। तो हरित तृण मतलब हरे घास की नोकों से, नोकों मतलब उसके जो कोने होते हैं, ठीक है, उसके कोनों से। मानव झूम रहे हैं तरु भी, तरु मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो वृक्ष है, पेड़ है, उसे हम कहते हैं तरु, तो इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ पेड़। मंद पवन की झोंकों से, मंद मतलब कैसे? एकदम धीरे धीरे हवा चल रही है और ये सब उसके ऊपर झूल रहे हैं, हरित तृण झूल रहे हैं, और जो तरु है वो भी मानो झूम रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसे तो आप देखोगे प्लांट्स को देखो, या कहीं पर आप जाओ खेतों में गए हो, देखोगे तो आप सिर्फ नॉर्मली उसे देखोगे, ये ऐसा अच्छा लग रहा है, हरा हरा लग रहा है, लेकिन अगर कवि की नजरों से आप देखोगे तो उसके ऊपर कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं बनती है ना बच्चों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, क्या क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या कि निस्तब्ध, निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध मतलब क्या होता है? एकदम जो एकदम हिलता डुलता ना हो, एकदम एक तरह से स्टील स्टैचू के जैसे खड़ा है। जैसे आपने मूर्ति देखी है, जैसे एकदम निशब्द निस्तब्ध रहती है। निस्तब्ध मतलब एकदम स्टैचू के जैसे खड़े रहना। निस्तब्ध निशा है स्वच्छंद सुमंद गंधवह निरानंद है कौन दिशा। अभी मैं इसको एक बार फिर से रीड करती हूँ, ताकि जो न्यू वर्ड्स हैं आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए, एंड यू कैन ऑल्सो प्रनाउंस इट, तो आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। मुझे पता है 9th स्टैंडर्ड में बच्चों को मराठी हिंदी रीड करना कितना डिफिकल्ट होता है। मैं भी बच्चों को जब पढ़ाती हूँ सामने बच्चों को, आप तो ऑनलाइन से हो अभी, आप लोग डायरेक्टली वीडियोज देख रहे हो, लेकिन जो बच्चों को मैं सामने बिठा के पढ़ाती हूँ, तो कभी कभी ऐसे शॉक हो जाता है, जब न्यू बच्चे आते हैं कभी कभी क्लास में, तो उनको पढ़ाना मतलब आई कांट हैव, आई कैंट एक्सप्लेन यू दैट। इतने बच्चों को प्रॉब्लम होती है रीडिंग में, और कुछ बच्चे इतने शार्प होते हैं कि वो एकदम चुटकी बजाते हैं, फटाफट पूरा रीड कर लेते हैं। तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रॉब्लम होगी, प्रैक्टिस की है तो यू कैन इजीली रीड। चलो एक बार फिर से लिखेंगे, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही, देखो कैसे साउंड दिया हुआ है क्या ही निस्तब्ध निशा है स्वच्छंद सुमंद गंधवह। यहाँ पर अनुस्वार आए हैं बार बार, है स्वच्छंद स्वच्छंद सुमंद गंध हवा, सॉरी वह निरानंद है कौन दिशा। तो निरानंद है कौन दिशा। तो निरानंद मतलब क्या हो गया? जिसमें आनंद नहीं है, आनंद रहे जिसमें थोड़ा भी हैप्पीनेस नहीं है ऐसा। सुमंद मतलब क्या है? कितना स्लो, एकदम धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद और दिया है निस्तब्ध, तो मैंने बताया आप लोगों को, जो हिलता डुलता ही नहीं है ऐसा। और स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा
इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला। तो आजकल के बच्चे तो ऐसे स्वच्छंद ही है ना, माता पिता की बातें सुनते नहीं है, अपने दिल में आए वो काम करते हैं। तो आप लोगों को अपने दिल की तो बात माननी है, लेकिन जो अपने लिए यूजफुल है, जो अपने लिए अच्छा है, उसे आपको करना होगा, ठीक है बच्चों। ताकि उसके बाद हम देखते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, एकांत मतलब अकेलापन, एक अकेले भाव से कितने शांत और चुपचाप। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो नियति, नियति मतलब कौन है, जो अपना भाग्य है, ठीक है, जो हमारा भाग्य है, बंद नहीं अब भी चलते हैं। तो वो बंद नहीं है, वो अभी चल रहे हैं, कौन, नियति नटी के कार्यकलाप। तो नियति नटी जो है, अभिनय करने वाली स्त्री जो होती है, वो किस तरह से अपनी गतिविधियां करते रहती है, उस अपने अंदर कैसे चेंजेस लाते रहती है। इसी तरह से जैसे कि ये चांदनी रात में, ये जो चांद है, ये जो रात है, अपने अलग अलग रूप दिखा रही है। जैसे आपने देखा होगा एक एक्टर जो होता है, हमेशा हर बार जो अपने सामने आता है नए नए रूप में आता है। आपने देखा है एक हीरो या हीरोइन उसी टाइप में हर बार हमारे सामने हर पिक्चर में रहती है? नहीं, उसका रूप, उसका स्टाइल सब चेंज होते रहता है। मानो कि यहाँ पर भी ये ऐसे ही हो रहा है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन आप इसे देखोगे तो कितने एकांत भाव से, एकदम अकेले अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी को बिना कुछ बताए वो शांत चुपचाप से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये वर्णन दिया गया है। तो एक बार हम इसका पूरा जो मीनिंग है एक बार फिर से देखेंगे। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। तो मैं आप लोगों को ये जो कविता है, इसके सारे जो संज्ञा दिए गए हैं, यहाँ पर पद्य पंक्तियाँ दी गई है, तो हम उसका एक बार अच्छे से मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप ये मीनिंग जो है, इसको जब आप लोगों को क्वेश्चन आता है, ये डिस्क्राइब करना है पंक्तियों को, तो उस टाइम पर आप उसका शब्दार्थ लिखिए, भावार्थ लिखिए, तब आप लोगों को ये बहुत ही यूजफुल होगा। तो आप एक काम करो, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के भी रख सकते हो। तो मैं आप लोगों को पहला रीड करके देती हूँ अच्छे से। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है, उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई, और अटखेलिया, अटखेलिया मतलब क्या, छोटे बच्चे जिस तरह से अलग अलग खेल खेलते हैं ना, उस तरह से अटखेलिया कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। और वो किसके साथ खेल रही है? जल और जमीन। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है। और चंद्रमा का प्रकाश कहाँ कहाँ है? ये पृथ्वी पर है, नभ मतलब क्या है, आकाश में भी है, और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। और वो सब जगह पर फैलते हुए, हर चीज जहाँ जहाँ वो फैल रहा है, वहां उसे वो प्रकाशित कर रहा है। तो अभी जो फर्स्ट पेज के हमारे चार स्टैंजास हैं, उनके मैं आप लोगों को पहले मीनिंग दिखा रही हूँ, उसके बाद हम पीछे जो है उसके भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चार चार लाइन का पूरा यहाँ पर आपको स्टार्ट से लेके एंड तक दिखाया गया है, वैसे यहाँ पर, ठीक है। ये फोर्थ वाला स्टैंजा है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज जो है, पेज नंबर टू, इसका हम देखेंगे। ओके, तो है बिखेर देती वसुंधरा। अब यहाँ पर बिखेर देना मतलब क्या है? सब जगह पर ऐसे स्कैटर करना, स्कैटर जैसे हम कोई चीज आपके हाथ से कभी चावल या कोई गिर जाता है, तो जैसे पूरी सब जगह पर स्कैटर हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर कहा गया है कि बिखेर देती वसुंधरा, मतलब वसुंधरा मतलब फिर से पृथ्वी। देखो पृथ्वी को कितने सारे नाम आए हैं यहाँ पर, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर,
और फिर सवेरा होने पर रवि, रवि मतलब कौन है, जो सूर्य है वो क्या करता है, वो सारे मोतियों को अपने साथ में बटोर लेता है, मतलब उसे सिलेक्ट एक साथ में जमा कर लेता है। उसके बाद क्या कहा गया है, और विराम दायिनी अपनी संध्या को ले जाता है, शून्य श्याम तनु जिसको उसका नया रूप छलकाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो विरामदायिनी, विरामदायिनी मतलब क्या है, जो विश्राम देने वाली, एक फुल स्टॉप देने वाली, तो यहाँ पर विरामदायिनी कौन है, जो संध्या है, संध्या मतलब शाम, शाम का संध्या मतलब यहाँ पर शाम, शाम का रंग कौन सा होता है, काला रंग होता है, वो क्या कर रहा है, संध्या को दे जाता है, वो अपना सूर्य जो है अपना जाते जाते संध्या को पूरा जो भी उसने कलेक्ट किया था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वो कलेक्ट करता है ना, बटोरता है, तो वो जाते जाते किसको देकर जाता है, संध्या को, मतलब जो डार्क है भी उसको देकर जा रहा है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और तनु मतलब क्या है, तनु मतलब शरीर, शून्य श्याम तो अभी जो शाम का वक्त है तो उसका वो अभी नया रूप दिखा रहा है, सुबह के टाइम पर तो सूर्य था, अभी शाम हो गई है तो फिर वो क्या कर रहा है, सुबह का जो उजाला होने वाला है तो आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं, वो चांद तारे वहां पर आ जाते हैं और एक नया हमें पूरा सीन दिखाई देता है, सुबह एक अलग है, शाम को एक अलग है। देखो कितना प्रकृति में हमारे अलग अलग रूप बदलते रहते हैं, ऐसे ही हमारा भी जीवन है ना, जिसमें हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नया नया होते रहता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख, सम्मुख मतलब क्या, सामने, सम्मुख का मतलब होता है सामने, स्वच्छ शिला पर, शिला मतलब एक बड़ा सा पत्थर, उसे हम शिला कहते हैं, शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, निर्भीक मतलब क्या है, एकदम निडर, बिना डरे, एकदम स्ट्रॉन्ग, ऐसे जो इंसान होता है ऐसे। तो यहाँ पर कहा गया है कि पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, तो सुंदर एक पर्ण कुटीर, पर्ण कुटीर मतलब क्या होता है, जो पत्तों से बना हुआ घर होता है उसे पर्ण कुटीर कहते हैं, ठीक है, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर। अभी कह रहे हैं कि धनुर्धर मतलब कौन है, जो धनुष्य बाण, आपने देखा होगा रामायण महाभारत में धनुष बाण यूज करते हैं, तो जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भरत सोता है, तो भुवन मतलब क्या, पूरा संसार जब सो रहा है तो यह कौन धनुर्धर जाग रहा है, उस धनुर्धर क्यों जाग रहा है, क्यों धनुर्धर कहा गया है, जैसे सबकी रक्षा करने के लिए शायद वो जाग रहा है, भोगी कुसुमायुध योगी का बना दृष्टिगत होता है। और कुसुमायुध मतलब कौन, कामदेव, जो आपने ऐसे कहा जाता है कि जैसे अपने इंद्र भगवान है, इंद्र भगवान की जैसे एक राजा होता है तो उनके पास बहुत सारे मंत्री होते हैं ना, ऐसे ही जो इंद्र भगवान है ये भगवान हम देवों के राजा मानते हैं, और फिर उनके जो मंत्री है उसमें से ही एक कौन है, उनमें से ही एक है कामदेव, ठीक है, तो जैसे कि कामदेव यहाँ पर दिया गया, भोगी कुसुमायुध योगी का बना दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत मतलब जो दिखाई पड़ता है, जो ऐसे कामधेनु के जैसे ऐसे कहा जाता है कि कामधेनु जो है ना वो सबसे पुरुषों में मतलब सब मेल में सबसे सुंदर दिखने वाला ऐसा कौन है, कामधेनु है, तो उसी तरह से वो दिखाई दे रहा है, ऐसा वो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो कौन दिखाई दे रहा है वैसे, तो वैसे चंद्र दिखाई दे रहा है चांदनी रात में, ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सा वर्णन दिया है। तो अभी देखो हम इसके जो आगे की फोर पंक्तियाँ हैं इसका मैं आप लोगों को मीनिंग है पूरा दे रही हूँ, थोड़ा सा मैं फिर से बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट के लिए प्रॉपर उसको ले सकते हो।
देखो यहाँ पे कितना सुंदर दिया है ना। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए चांद तारे रूपी मोती सूर्य उदय विश्राम देने वाली संध्या को तोड़ देता है। मतलब सूर्य को विश्राम, सूर्य को आराम देने के लिए कौन आ गया है, संध्या आ गई है, शाम आ गई है। और वो शाम क्या कर रही है, उसे अपना कह रही कि अभी तुम जाओ, अभी आगे का कार्य मैं संभालूंगी। जैसे देखो एक ऑफिस में काम करने वाले अलग अलग शिफ्ट के लोग होते हैं, तो एक आ जाता है तो दूसरा जो भी काम हुआ है उसे सौंप कर चला जाता है, फिर वो अपना टाइम आने पर फिर से आता है। तो ऐसे ही जैसे मानो यहाँ पर ये अपने एक के बाद एक कार्यरत है। तो अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराते हुए कराने लगते हैं, जिससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है। चलो मैं ये भी रीड कर देती हूँ, जो बच्चे उनको मेरे रीडिंग नहीं आता है तो उनके लिए मैं खास से रीड कर रही हूँ। कवि तो पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी मतलब वट के पांच वृक्ष। वट का झाड़ कौन सा है जिसको पता है आप लोग, वट पूर्णिमा में जो स्त्रिया होती है धागा बांधती है तो उसे वट का वृक्ष कहते हैं। कि छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है, मतलब एक पत्थर है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। विराजमान मतलब बैठा हुआ है। कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुषधारी कौन है जो रात्रि में मतलब इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। तो कह रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है। देखो कितना सोच कर उन्होंने लिखा होगा कि एक चांदनी रात को देखने के बाद कितना सुंदर वर्णन हम कर सकते हैं। ओके बच्चा, तो आप लोगों को मैं अभी ये आंसर नहीं दे रही हूँ, तो इसके आंसर क्योंकि सिर्फ मुझे दिखाना नहीं है, जो आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके आंसर देने हैं, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप लोगों जरूर देखो और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आपकी जो स्टडी है उसमें विराम चिन्ह ना लगे। विराम चिन्ह मतलब उसको स्टॉप ना हो, वो चलती रहे, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके बच्चों, चलो बाय टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।